खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर से आए टिड्डी दल ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खाजूवाला क्षेत्र में टिड्डी का टेरर लगातार जारी है। इसके बाद किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने और समय रहते हुए टिड्डी पर नियंत्रण पाने की मांग की। तो वहीं टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लेने खाजूवाला के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने भी टिड्डी प्रभावित एक दर्जन से अधिक गाँव का दौरा किया। प्रदेश भर में टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं जयपुर के फागी में टिड्डी दल ने दस्तक अब दे दी है। टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। इधर किसानों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि किसानों ने ढोल और थाली बजाकर टिड्डी दल को भगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक टिड्डी दल ने फसलों को चौपट कर दिया था। खबर जयपुर के बस्सी से है, जहां विधायक लक्ष्मण मीणा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक ने निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को कोरोना के बचाव के लिए साथ ही में सरकार की गाइडलाइंस की पालना के निर्देश भी दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई श्रमिक अपना कार्य तय समय से पहले पूर्ण करता है तो वो निश्चिंत होकर घर जा सकता है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा, मनरेगा JTO राजेंद्र कुमार सैनी, रोजगार और सहायक व कनिष्ठ सहायक रामजीलाल सैनी और ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन लाल मीणा उपस्थित रहे। मकराना शहर के गौड़ाबास इमाम चौक में नगर परिषद के पार्षदों की एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने सभापति और उपसभापति पर मनमानी करने के आरोप लगाए, जबकि सभापति समरीन भाटी और उपसभापति ने लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते विकास का पहिया थम सा गया है। बात नहीं है क्योंकि मकराना में सभी 55 में मतलब सभी लगभग कांग्रेस के पार्षद थे और जो वो पार्षद थे उनमें भी कांग्रेस के पार्षद थे और कांग्रेस का बोर्ड था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्षद भी हमारे ही हैं और उन्होंने तो कोई चाय कॉफी का प्लान बना के सब एक साथ होके चाय कॉफी पीने गए थे और कुछ पार्षद ऐसे जिनको कोई गुमराह कर दिया गया, लेकिन वो भी हमारे ही हमारे से ही राह लेते हैं। हम भी उनसे हर बार डिस्कस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जल्दी हमसे वापस मिलने आएंगे और ऐसी बात है भी नहीं। और हमने तो 55 वार्डों के अंदर इक्वल काम कराने का सोच रखा है, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से जो टेंडर थे 3 महीने तो कुछ काम हुआ ही नहीं, जो और बाकी 3 महीने स्टार्टिंग के थे उसमें तो हमने हर वार्ड को सोच के रखा है कहाँ पे क्या काम करना है, टेंडर भी स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन अब हमने जल्दी काम स्टार्ट करने का सोचा है सभी वार्डों के अंदर। खबर जयपुर के चाकसू क्षेत्र से है, जहां शीतला माता मंदिर परिसर में नवजागृति सामाजिक सेवा संस्थान ने लॉकडाउन में शादी कर रहे लोगों को उपहार में दहेज का सामान वधू को उपहार दिया। इसी के साथ कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सियाराम स्वामी और प्रदेश महामंत्री सुनील चौधरी ने बताया कि संस्थान की ओर से अब तक 635 जोड़ों को सामान और भोजन सामग्री दी गई है। इसमें हिंदू वरवधु के 492 और मुस्लिम समाज के 143 जोड़े शामिल हैं। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां कोरोना लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के चलते पोषाहार की राशन सामग्री स्कूल में रखी हुई है। अब राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूल प्रशासन ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पोषाहार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत डीडवाना गांव के राजकीय स्कूल में राशन सामग्री का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक बिनाका खंडेवाल ने इस पर बताया कि राशन सामग्री लेने आए बच्चों के अभिभावकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान SDMC अध्यक्ष सुरज्ञान शर्मा और स्कूली स्टाफ उपस्थित रहे।
खबर पाली के रायपुर क्षेत्र से है, जहां कोरोना योद्धा के रूप में सेवा दे रहे चिकित्सा कर्मियों का जगह जगह स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इसी के तहत कुशालपुरा सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर संजू चौधरी आदि ने ग्रामीणों ने चांदी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान भामाशाह नारायण लाल सीरवी, राकेश नवन, दिनेश सोनी, राजेश बागड़ी, ओम प्रकाश इत्यादि उपस्थित रहे। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां कोरोना वायरस जनजागरण अभियान के तहत जनजागरूकता रैली निकाली गई। इसे नगर पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, एसडीएम केआर चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महबूब अली एंड पार्टी की ओर से झांकी प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही में नाटक के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने इत्यादि अन्य जानकारियां दी गई। तो वही नगर पालिका कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य विभागीय कार्मिकों ने तख्ती पर कोरोना जनजागरण के स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नया उपाध्यक्ष रामसुख मुंशी, जगदीश नारायण शर्मा, नंद कुमार अग्रवाल सहित पार्षद उपस्थित रहे। कोरोना को लेकर जिस प्रकार से आम नागरिक पहले सुविधा रख रहे थे, अनलॉक होने के बाद में उन्होंने सावधानियां हटा दी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका मॉडल पूरे भारत में ही नहीं संसार में लोहा मना चुका है, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे जांच का दायरा हो, उन्होंने ये सोचा कि पुनः जनता को जागरूक करना जरूरी है। सो उन्होंने 21 जून से लेकर 30 जून तक इस कार्यक्रम को चालू रखा। खबर श्रीगंगानगर की घड़साना से है, जहां पर कोरोना महामारी में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए जगह जगह पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो वहीं अग्रवाल धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 3 लोगों को रखा गया, जो कि कुछ दिन पहले बाहरी राज्यों या फिर अन्य जिलों से आए हुए थे। लेकिन क्वारंटीन सेंटर की हालत बदतर है। जगह जगह गंदगी और भीषण गर्मी के दौर में पंखे भी नहीं चल रहे। संबंधित विभाग इन लोगों की समस्या पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। दौसा के लालसोट में पूर्व पालिका चेयरमैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व चेयरमैन को बुखार होने पर जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि बीसीएमएचओ को पीड़ित ने कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी, जिसके बाद कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सेहरा के नेतृत्व में चिकित्सा दल ने संक्रमित के परिजनों की कोरोना जांच की। टोंक जिले के देवली में कोविड-19 के बीच में एक राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर लिए गए 323 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि देवली में प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसके चलते धार कस्बे में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने एहतियात के तौर पर विशेष अभियान चलाया है। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में नगरपालिका को कई सौगात तो दी, लेकिन बानसूर में नगरपालिका राजनीतिक अड्डा बन गया है। तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका में जिन गांवों को नहीं जोड़ा गया, वहां लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। इसी को लेकर बानसूर के पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नगर पालिकाओं की घोषणा आनन फानन में की गई। इसमें नगर पालिका का जो स्वरूप बनाने में जाति विशेष का ख्याल रखा गया है। इस पर विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि बानसूर की जनता के साथ कोई धोखा या फिर जातिवाद नहीं किया गया। सभी गांव वर्ग को लेकर नगरपालिका से जोड़ा गया है और दूसरी ओर नगरपालिका में सम्मिलित गांव डोडिया कबास के लोगों ने गांव में जोड़ने की खुशी में फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक शकुंतला रावत का सम्मान किया। जिसकी जैसी मन की भावना होती है वो वैसा ही बोलता है, क्योंकि अभी तक आप ये 4 श्रेणी वाली बात कर रहे हैं ना, भैरोड देखिए कितने दिन हो गए बने हुए, आज भी वहाँ 4 श्रेणी की है। तिजारा देखिए कितने दिन से बनी हुई है नगर पालिका, वो भी 4 श्रेणी की है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यहाँ की जनसंख्या और उसके आधार पे ग्रेडें अपडेट होती जाएंगी, और जो राष्ट्र का नाम लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने
किसी तरीके का इस तरीके का भेदभाव नहीं किया है। अब उन्हें हो सकता है कि किसी कास्ट से अगर कोई द्वेषता हो तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती कि उन्हें कौन सी कास्ट से द्वेषता है। कास्ट की बात नहीं है, नजदीकी जो ढाणी गांव को छोड़ करके दूर दराज के गांव को लिया गया। बांसूर के नजदीक जो भी गांव ढाणी थे अधिकतर सारे गांव ढाणी आ गए हैं, क्योंकि जो नाम दिया गया है लिस्ट में वो सिर्फ राजस्व गाँवों का नाम दिया गया है, ढाणियों का नाम नहीं दिया गया है। अगर आप उसकी तय खोल के देखेंगे तो सारी ढाणियां उसमें इंक्लूड है नगर पालिका में। पेट्रोल और डीजल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। सुमेरपुर में पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक और देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसके चलते आम आदमी आर्थिक रूप से टूट गया है। मध्यम वर्ग के पास आय का साधन नहीं बचा तो व्यापार ठप हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को राहत देनी चाहिए। खबर पाली के सुमेरपुर से है जहां बिजली बिलों में अधिक राशि आने को लेकर उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय पर कोई अधिकारी नहीं मिला, इसके चलते उपभोक्ता जो थे वो घंटों खड़े रहकर वापस लौट गए। तो वहीं एईएन अमित करौल ने इस पर बताया कि डिस्कॉम मुख्यालय की ओर से फरवरी 2020 में बिजली की टैरिफ दर बढ़ा दी गई। इसके अलावा साल भर की रीडिंग को औसत आधार पर निकाल कर बिल भेजे गए। बढ़ी हुई दरों के कारण उपभोक्ताओं को अधिक राशि के बिल लग रहे हैं। इसके अलावा कोई तकनीकी त्रुटि होने के कारण उपभोक्ताओं के कार्यालय में आने पर समाधान उनका कर दिया जाएगा। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है जहां तकतगढ़ कस्बे के लोगों के बैंक खातों से रुपए निकालने का मामला सामने आया। दरअसल अलग अलग बैंक के खाताधारक तकतगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि एटीएम से पैसे निकालने के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने भी उनके खाते से रुपए निकाले हैं। इसको लेकर 3 खाताधारकों ने मामला दर्ज कराया। खारची आवास मोहल्ले में रहने वाले रूपाराम खाची ने बताया कि 13 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर लगे एटीएम से 10,000 रुपए निकालने पहुंचे थे। बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 5 दिन में 1,25,000 रुपए उसके खाते से निकाल लिए। इन सभी के बीच में खास बात ये रही कि तीनों ही खाताधारकों ने जब पैसे निकाले उस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति उनके पास खड़ा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के आबू रोड रिको पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। एसपी कल्याणमन मीना के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक से 400 कार्टन अवैध शराब बरामद की जिसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। दुनिया भर में कोरोना की महामारी आने के बाद से अब तक यही कहा जाता आ रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो चमगादड़ से फैलता है। जैसे जैसे दवा वायरल होता है चीहान के वुहान से लेकर भारत के मेरठ तक लोग इस जीव से डरने लगे और वो चमगादड़ की जान के दुश्मन हो गए। लेकिन भीलवाड़ा के बिजौलिया में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की पलकी नदी के किनारे शारबाग में लगे 200 साल पुराने इमली के पेड़ पर आज भी हजारों चमगादड़ बेखौफ आबाद है। बिजौलिया के पास किशनगंज के किसान कहते हैं कि चमगादड़ उनके मित्र हैं। ये तो कई हानिकारक कीटों को अपना आहार बनाते हैं और उनसे होने वाले नुकसान से इंसान की सहायता करते हैं, इसलिए इन बेजुबानों को यहाँ से भगाने या मारने की कोशिश कोई नहीं करता। किसानों ने यह भी बताया कि ये पेड़ करीब 200 साल से संरक्षित है और तब से हजारों दूसरे परिंदे यहाँ इस पेड़ पर उनका आशियाना बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, हिमाचल के फतेहपुर में भी चमगादड़ के बसेरे वाले पेड़ों को काट दिया गया था, इससे उनके आशियाने उजड़ गए थे। बाड़मेर के चौहटन में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बना लिया। आपको बता दें कि विराला सर्कल पर स्थित दुकान से चोरों ने नकदी और अन्य सामान पार कर लिया। तो वहीं पूरी वारदात जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
खबर बाड़मेर से है, जहां भाकड़ा गांव में बेटी की सगाई नहीं करना एक पिता को भारी पड़ गया, क्योंकि इससे नाराज रिश्तेदारों ने उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें लादूराम को गंभीर चोटें आई है, जिसे जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान इलाज के दौरान लाभूराम ने अपना दम तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरना देकर विरोध जताया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर महिला थाने में पीड़ित की पत्नी ने मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने एक माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इस पर पुलिस अधीक्षक और विधायक मेवाराम जैन ने मृतक के परिजनों से समझाइश कर उचित कार्रवाई का मुआवजा और आश्वासन दिया है, जिसके बाद में मामला शांत हुआ। अलवर की तेजारा पुलिस ने अवैध हथियार सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान फतेह सिंह रायसिंह और दीपक को हिरासत में लिया गया। दोनों की तलाशी लेने पर दो देसी कट्टे, 315 बोर, एक पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस, 6.65 mm और 15 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए। आरोपी इन हथियारों की सप्लाई करने के फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में सब्जी विक्रेता मुन्ना सैनी के हथियारों को 15 दिन के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले में पुलिस की अनदेखी के विरोध में मंगलवार को युवा नेता चंद्रशेखर यादव, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी और एडवोकेट शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी खेमाराम को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने तहसील परिसर में पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। ज्ञापन में 10 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। खबर जयपुर के विराटनगर क्षेत्र से है, जहां बहादुरपुरा के गोरखनाथ आश्रम में रहने वाले साधु करतार नाथ ने दो बालकों के साथ में अनैतिक कार्य किया। पीड़ित बच्चों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने साधु के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर कुकर्म के आरोपी करतार नाथ को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। बारा के केलवाड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही में दो बाल अपचारियों को निरुद्ध भी किया। दरअसल रवि मेहता बैंक में पैसे जमा कराने गया था, इसी दौरान आरोपियों ने उसके जेब से 2.5 लाख रुपए पार कर लिए और फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ दो बाल अपचारी भी निरुद्ध किए गए हैं। खबरवारा के छिपाबड़ौत से है, जहां पर मियांडा गांव में एक युवक की हादसे में मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। दरअसल सोनू भील अपने दोस्त के साथ बाइक से घर की ओर जा रहा था, इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पत्थरों से जा टकराई, जिसमें सोनू की मौत हो गई जबकि उसका एक अन्य साथी घायल हो गया। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ रही है। कस्बे में कई दिनों से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह कचरे के ढेर स्वच्छ भारत अभियान का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। जबकि चुनाव से पहले सरपंच ने गांव में व्यवस्था सुधारने को लेकर कई बड़े वायदे किए, लेकिन इन वादों को निभाना तो दूर की बात है, सफाई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से शुरू भी नहीं कर रहे। इस पर ग्रामीण का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना की महामारी और दूसरी ओर साफ सफाई नहीं होने के कारण बीमारियां फैलने का डर अधिक है। खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां चक 29GB में नगरपालिका की ओर से निर्धारित जमीन पर कचरा डालने से ग्रामीण परेशान है। ये मामला कई दफा तूल पकड़ चुका है और समझौते भी हुए, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिला है। 3 माह की मोहलत की समय सीमा पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों ने गांव में ही नगरपालिका को कचरा डालने से रोक दिया। अब ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग फिलहाल कर रहे हैं।
अलवर के माझी कला में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल गंडाला गांव में जिस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है वो कई दिनों से लीकेज है। ऐसे में पानी गड्ढों में भर जाता है और ये पानी पाइपलाइन से घरों तक पहुंच रहा है, तो वहीं शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। जोधपुर के ओसिया में कोविड 19 गाइडलाइन के एक मॉल के उद्घाटन समारोह में जमकर धज्जियां उड़ी, जबकि मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। एक तरफ जहां कोरोना से निपटने के लिए सभी को सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील सरकार कर रही है, तो वहीं सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधि ही इन गाइडलाइंस का पालन खुद ही नहीं कर रहे। अब खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां विद्युत विभाग के शिकायत कक्ष की छत जर्जर अवस्था में है। कुछ दिन पहले ही यहां पर प्लास्टर गिर पड़ा और आगे भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। इसके चलते कर्मचारी शिकायत कक्ष के बाहर बैठकर कार्य करते हैं और वहीं छत को दुरुस्त कराने के लिए विभाग की ओर से किए गए कार्य नहीं किए जा रहे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।